अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कतर खबर यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज की वीडियो में सबसे पहले जो खबर आ रही है, ऑफिशियल रमजान टाइमिंग फॉर पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय टू बी 9 AM to 2 PM। साथियों, कतर में रमज़ान को लेकर जो भी पब्लिक सेक्टर में जो भी काम करने वाले वर्कर एम्प्लॉय या फिर प्रवासी, जिसे जो भी आप समझे, उसकी टाइमिंग रखी गई है 9 बजे सुबह से लेकर 2 बजे तक ही, यानी 10, 11, 12, एक दूसरी 5 घंटे ही आपको काम करना है। तो भाइयों, आप लोग जो भी रमज़ान के दौरान आप लोग पब्लिक सेक्टर में काम करते हो, एम्प्लॉय हो, वर्कर हो, तो अब आप लोगों को 5 घंटे ही काम करना है। 5 घंटे से कोई भी कंपनी ज़्यादा आपसे काम नहीं करवा सकती रोज़ा के दौरान। दूसरी बात यह है कि ओपन साइट पे आपको बिल्कुल भी काम नहीं करना है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वाले साइट पे धूप वगैरह में आपको बिल्कुल भी काम नहीं करना है। इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। तो दोस्तों, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है जो भी रोज़ा वगैरह को रखते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है साथियों, वो आ रही है कतर एंड इराक प्लेस 25 मिलियन डॉलर इज टू UNROW। साथियों, कतर और इराक के तरफ से 25 मिलियन डॉलर का मदद भेजा गया है गाज़ा को। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि गाज़ा की स्थिति अभी कैसी चल रही है, हज़ारों लोग, लाखों लोग वहां पे मारे जा चुके हैं और बेघर हो चुके हैं। तो कतर जो है लगातार इसकी मदद करते हुए आ रहा है। तो कतर की तरफ से और इराक की तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया गया है कि 25 मिलियन कतर रियाल का मदद भेजा जाएगा कतर की तरफ से, इराक की तरफ से गाज़ा के लिए। अगली खबर दोस्तों आ रही साथियों, वीडियो के उसमें जो फोटो देख रहे साथियों, कतर में एक बिल्डिंग कोलैप्स कर गई है, यानी ढह गई है। तो ये दोस्तों बिल्डिंग जो थी मंसूरा बिल्डिंग था, जिसका नाम था मंसूरा बिल्डिंग। कतर कोर्ट के तरफ से लगभग 5 लाख कतर रियाल का जुर्माना लगाया गया और जेल की सज़ा सुनाई गई है। साथ ही बता दूं कि 5 लाख कतर रियाल, जबकि इमारत मालिक के 20,000 कतर रियाल का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा मामले में फंसे प्रवासियों को संबंधित सजा पूरी करने के बाद कतर निर्वासन सामना करना पड़ेगा, जैसे कि बयान में जारी किया गया है। साथ ही बिल्डिंग गिरने की वजह से लगभग 5 लाख कतर रियाल का जुर्माना, जो भी लोग इसमें फंसे हैं सभी को फिलहाल अभी निकाला जा रहा है। दोस्तों, इसमें कोई मरने की कोई खबर अभी तक ऑफिशियली निकल के नहीं आई, पर दोस्तों मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुत सारे लोग इसमें मारे गए होंगे। तो दोस्तों, यदि कतर में आप फिलहाल अभी रह रहे हो तो इसके बारे में मुझे कॉमेंट्स में जाके ज़रूर बताइएगा कि कितने लोग मारे गए। फिलहाल अभी 5 लाख कतर रियाल का जुर्माना लगाया गया है, सभी को जेल की सज़ा सुनाई गई है, और इसमें जिसमें दोस्तों जो मालिक है उस पर लगभग 20,000 कतर रियाल का जुर्माना लगाया गया। साथ ही वही खबर आ रही है, जैसे कि वीडियो के उसमें दोस्तों आप देख सकते हैं, तुरंत ही वहाँ पे किरान वगैरह पहुँच चुकी है, वहाँ पे लोगों को निकाला जा रहा है, मंसूरा बिल्डिंग जो कोलैप्स किया था। अब दोस्तों, कोलैप्स कैसे किया था इसके बारे में कोई अपडेट अभी नहीं है, जैसे कोई इस पर अपडेट आती मैं आप तक शेयर जरूर करूँगा। अगली जो खबर आ रही है, औकाफ टू ऑर्गेनाइज ए नंबर ऑफ इवेंट्स एंड एक्टिविटी ड्यूरिंग रमज़ान। साथियों, मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ के तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया गया है कि उनके तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है बहुत सारे इवेंट्स और बहुत सारे एक्टिविटी रमज़ान के दौरान। यानी रमज़ान के दौरान दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि तरावी प्रेयर, मौजिन को लिए दोस्तों चीज़ें वहाँ पे, इमाम के लिए बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे इंतज़ाम की जाएगी, महिलाओं के लिए प्रेयर हॉल बनाया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों के लिए दोस्तों वहाँ पे इंतज़ाम किया जा रहा है रमज़ान को लेकर। तो ये कुछ खबरें थी, अपडेट्स थी जो कि कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। मिलता हूँ साथियों नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद एंड टेक केयर।